सौ कदम है। देखिए मैं क्लास 10 और एक्सरसाइज है आपकी 8.2 ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। देखो इधर, अब ये सत्यापित करनी है, प्रूव दैट sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, जबकि थीटा बराबर 45। देखिए इसमें हमें थीटा का मान बराबर रखना है, यहाँ रख दिया हमने। देखिए sin 2 मल्टीप्लाई 45 इक्वल टू 10 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। यहाँ करेंगे हम बेटा, sin 90 हो गया और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ सॉल्व किया 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, यानी 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, कट कर देंगे 1 इक्वल 1 आ गया। इस तरह आपका ये प्रूफ हो जाता है। आगे नेक्स्ट है आपका cos 2 थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, जबकि थीटा बराबर 30। कितना दे रहा है, वैल्यू लगाएंगे इसकी हम। यहाँ देखिए cos 2 मल्टीप्लाई 30, cos 60 का मान होता है हमारा 1 अपॉन 2। क्या होता है, 1 अपॉन 2। आगे देखेंगे हम 1 माइनस के 10 स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, यहाँ वैल्यू रखेंगे हम। देखिए 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे आप तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3। आगे और सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3, इससे इसको काट दिया, यहाँ आ गया हमारा 2 अपॉन 4, फिर कट कर देंगे 1 अपॉन 2। LHS बराबर RHS, ये आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिए 10A-B बराबर 10A-10B अपॉन 1 प्लस 10A इंटू 10B, और यहाँ दे रहा है आपका A = 60 और B = 30। यहाँ रख देंगे वैल्यू हम 10 60 माइनस 30, आएगा आपका 10 30, और 10 30 का मान होता है 1 अपॉन √3। ऐसे ही नेक्स्ट इधर रखेंगे आप इक्वल 10 60 माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 60 10 30, मान रख देंगे इसका √3 माइनस 1 अपॉन √3, 1 प्लस √3 इंटू 1 अपॉन √3, इससे इसको कट कर देंगे, यह आएगा 3 माइनस 1 अपॉन
रूट थ्री ब्रैकेट में वन प्लस वन, यहाँ कर लेंगे आपका टू अपॉन रूट थ्री इंटू टू, इसे इससे कट कर देंगे, आ गया हमारा वन अपॉन रूट थ्री। यही हो गया हमारा बेटा एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर प्रूफ हो गए। आगे नेक्स्ट है इसका आगे है आपका साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख देंगे, यहाँ दे रहा है ए इज इक्वल टू 30 और बी इज इक्वल टू 60। यहाँ पहले रखेंगे साइन 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब इधर आर एच एस में लेंगे हम, यहाँ रखेंगे पहले साइन 60 और कॉस 30, ये 30 ये 60 ये कॉस 30 साइन 60, इनकी वैल्यू रख देंगे 1/2 × 1/2 प्लस रूट 3/2 रूट 3/2। यहाँ सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आएगा 1/4 प्लस 3/4 इक्वल 4/4 इज इक्वल टू 1। इस तरह आपका एल एच एस बराबर आर एच एस। आगे है हमारा नेक्स्ट इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अंडर रूट 3 प्लस 1 और दे रहा है आपका 3 माइनस कॉट 60 30 इज इक्वल टू 10 क्यू 30 60 है सॉरी 10 क्यू 60 माइनस 2 साइन 60। देखिए आप इनकी वैल्यू रख देंगे रूट 3 प्लस 1, इसकी वैल्यू 3 माइनस रूट 3 इक्वल इसकी वैल्यू अंडर रूट 3 का क्यू माइनस 2, इसकी वैल्यू अंडर रूट 3/2। इससे इसको काट देंगे या 3 कॉमन ले लें हम तो आएगा हमारा रूट 3 प्लस 1, क्या आएगा रूट 3 माइनस 1 रूट 3 ब्रैकेट में 3 माइनस 1 बराबर रूट 3 और ये 2 रूट। ऐसे ही इसको करेंगे बेटा हम, यहाँ आएगा हमारा 3√3 माइनस रूट 3, ये माइनस कर देंगे तो एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समकोण त्रिभुज।
देखिए समकोण त्रिभुज में एबीसी में सी समकोण है हमारा, तो यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया। ए बी 60 दे रहा है आपका, ये 90 दे रहा है, ये 30 निकाल लेंगे हम, ठीक है, कोई जरूरत भी नहीं है वैसे। चलो अब उसने हमसे पूछा है शेष कोण तथा भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। हम जानते हैं हमें ए का मान नहीं मालूम, 180 माइनस बी का मान मालूम है 60, सी का 90, यहाँ किया 180 माइनस 120 इक्वल आ गया 30, इतना आ गया। अब हमें भुजाएं निकालनी है, तो यहाँ से ले लें हम साइन बी, एक साइड दी है हमारी ए बी बराबर 15, ठीक है, और सारे मान निकालने हमें। साइन बी बराबर हमने लिया लंब बटे कर्ण, साइन 60 का मान लगा दिया, अंडर रूट 3/2 इक्वल ए सी बटे ए बी, मान लगा देंगे 15, गुणा कर देंगे ए सी बराबर 15/2 अंडर रूट 3। आगे ए सी का मान निकाल लिया, अब हमें बी सी का और चाहिए, तो कॉस से ले लें हम, कॉस 60 बराबर आधार आपका क्या है यहाँ बी सी बटे ए बी, वैल्यू लगाएंगे इसकी 1/2 इज इक्वल टू ए सी बटे 15, ए सी नहीं सॉरी बी सी है, तो बी सी बराबर 15/2। ये देखिए आपकी तीनों साइड दे आ गई और कोण आ गए। पूछ रहा है आपका शेष कोण और शेष तथा भुजाएं ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में सॉरी 7, यहाँ देखिए आपका दे रखा है साइन ए प्लस बी बराबर 1 तथा कॉस ए माइनस बी बराबर भी 1। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, कॉस ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ लगाया हमने बेटा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 का मान है ये, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 समीकरण नंबर 1 आ गया। आगे दिया है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, यहाँ लगाया कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस 0, यहाँ आ जाएगा आपका ए माइनस बी इक्वल 0 समीकरण नंबर 2। सॉल्व कर लेंगे इसको बेटा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ए माइनस बी 1 नहीं था बेटा 90 था, इज इक्वल टू 0, जोड़ देंगे इसको, 2a इज इक्वल टू 90, ए इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45 हो गया। यहाँ लगा देंगे 45 प्लस बी इज इक्वल टू 90, बी इज इक्वल टू 90 माइनस 45 इक्वल 45, यहाँ रख देंगे बी का मान रखने पर।
आगे है हमारा इसी तरह 10 a + b इक्वल रूट 3। यहाँ लगाएंगे 10 a + b इज इक्वल टू 10 60। तो a + b बराबर 60 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे दिया है आपका 10 a - b इज इक्वल टू 1/√3। 10 a - b इज इक्वल टू 10 30। वैल्यू रख देंगे a - b इज इक्वल टू 30। समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ रखेंगे जोड़ने पर 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 19/2 इज इक्वल टू 45 हो गया। ऐसे ही a का मान रखने पर यहाँ रख देंगे आप 45 + a इज इक्वल टू 60, सॉरी b इज इक्वल टू, अब b इज इक्वल टू 60 - 45 इज इक्वल टू 15। ये आपकी ए और बी की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan a + b इक्वल 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b। यहाँ वैल्यू दे रखी है इसके 10 a और b की। कहीं रखते जाएंगे हमें 1/2 + 1/3 इक्वल 1 - 1/2 × 1/3। सॉल्व करेंगे एलसीएम आएगा 6, यहाँ आएगा 3 + 2/6 - 1/6, इससे इसे कट कर देंगे, ये आ गया हमारा इज इक्वल टू क्या 1। इसके बाद सॉल्व करेंगे आप 10a + b इज इक्वल टू 10 45 का मान होता है, इसे काट देंगे a + b इज इक्वल टू 45। आगे देखिए आप 10वें क्वेश्चन में sin a + b - c इक्वल 1/2। यहाँ लेंगे बेटा sin a + b - c इज इक्वल टू sin 30। a + b - c इज इक्वल टू 30, समीकरण नंबर 1 हो गया। और दे रहा है आपका cos b + c - a = 1/2। इससे किया मैंने बेटा cos b + c - a = cos 60। ये काट देंगे हमारा माइनस के a + b + c = 60। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट है आपका बस